नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 5 नौकरियों के बारे में तो अपडेट देंगे ही, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट और देना चाहेंगे। जो भी छात्र बिहार की परीक्षा बिहार SSC CGL 3rd का इंतजार कर रहे हैं कि इसका जो 23 और 24 को एग्जाम होगा, ठीक है, उसके लिए आज आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए। लगभग 13.5 लाख यानी कि लगभग 13.5 लाख लोगों ने आवेदन किया है इस फॉर्म को लेकर, लेकिन 9.2 लगभग लोगों का यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना, यानी कि लगभग 9 लाख लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। तो क्या आप भी उस लिस्ट में हैं जहाँ पे आपके, जी हाँ, फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है? किन कारणों से किया गया है, या अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फॉर्म बहुत लोगों के रिजेक्ट होने की जो खबरें आ रही हैं, वो खबर है दोस्तों उनके फॉर्म को इनकम्प्लीट छोड़ने का। पहली चीज, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके जो है फॉर्म नहीं भरा, यानी कि एप्लीकेशन नहीं भरा है। बहुत सारे लोगों का जो फॉर्म गलत हो गया है भरने में, उनके चलते उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया है। तो ऐसे लोगों का यहाँ पे जो है फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। बहुत लोगों ने अपना फोटो और सिग्नेचर को लेकर जो है गाइडलाइन उसको फॉलो नहीं किया है, तो उनका भी फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका की फादर नेम, मदर नेम या उनके नेम में कोई भी दिक्कत है और वो फॉर्म में भर दिए हैं, तो ऐसे लोगों का भी फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। ये लिस्ट आपके सामने निकल कर आएगी जल्दी, इसका आप लोग इंतजार कीजिए। आइए खबरों में चलते हैं और नई वैकेंसीज की बात करते हैं। नई वैकेंसीज में बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ये वैकेंसी है दोस्तों। अब यहाँ पे बोलेंगे कौन कौन से छात्र योग्य हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी योग्यता। टोटल 551 पदों की वैकेंसी है और इसके लिए जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप जाके इसके बारे में जानकारी भी दे सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसका नोटिफिकेशन भी आपको डाल दूंगा एजुकेशन की 86 के, या टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए हमारा, वहाँ पे आपको इसका जो है नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो आइए खबरों में चलते हैं और बात करते हैं। तो पोस्ट नेम यहाँ पे देख सकते हैं, जर्नलिस्ट ऑफिसर का स्केल 2 के लिए वैकेंसी है, स्केल 3rd के लिए। फॉरेक्स ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, फॉरेक्स या ट्रेजरी कह लीजिए इनको। चीफ मैनेजर की क्रेडिट के लिए वैकेंसी है और दोस्तों अदर डिटेल वैकेंसी है, मतलब अदर पोस्ट लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोले अगर 11 पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, तो जिन छात्रों ने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है वो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर चीफ मैनेजर क्रेडिट की बात करें तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका CA, CMA और CFA होना चाहिए क्लियर, ठीक है, फाइनेंस में या फिर बैंकिंग में या एग्रीकल्चर में एटलीस्ट 50% मार्क्स और 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। फॉरेक्स डिपार्टमेंट के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे, फॉरेक्स ऑफिसर के लिए सॉरी, तो वो 25 सीट है यहाँ पे उनके लिए। बैचलर ऑफ डिग्री आपका 60% चाहिए, मार्क इन ऑल सेमेस्टर, है ना, थ्रू आउट 60% चाहिए। और आपके पास दोस्तों PG डिग्री इन बिजनेस या मैनेजमेंट या फाइनेंस में होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। 100 पोस्ट है दोस्तों जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 3rd के लिए, यहाँ पे 60% जो है आपका डिग्री होना चाहिए दोस्तों एनी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो। और मार्क ऑफ ऑल सेमेस्टर यानी हर एक सेमेस्टर में 60% का थ्रू आउट होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। और 400 वैकेंसी है दोस्तों जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 के लिए, जिसके लिए छात्र 60% थ्रू आउट एग्रीगेट मार्क्स अपना होना चाहिए सेमेस्टर वाइज, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। तो ये बड़ी वैकेंसी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से अपडेट की गई है दोस्तों। अगर सैलरी की बात करें दोस्तों, तो लगभग 89,000 यानी कि लगभग 90,000 की सैलरी जो होगी आपको पर मंथ होगी यहाँ पे। और आवेदन करने का जो शुल्क चार्ज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए जो अपडेट किया गया है ये है दोस्तों 1180 रुपये। जो छात्र यहाँ पे एलिजिबल हैं वो आवेदन करेंगे। SC ST के लिए 118 रुपये। आवेदन आपको करने का लिंक जो है 6 दिसंबर से एक्टिव हो चुका है, 23 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, फीस आप 23 दिसंबर तक भी भर सकते हैं, बात का ध्यान रखेंगे। ये हो गया अपडेट दोस्तों यहाँ पे आपके इस वैकेंसी को लेकर। अगली वैकेंसी पे चलते हैं और ये वैकेंसी है असिस्टेंट कांस्टेबल की वैकेंसी है। अब ये जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों यहाँ पे ITBP के द्वारा ये अपडेट की गई है। तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं आप छात्र, इनके लिए 10वीं कक्षा पास और 12वीं कक्षा पास छात्र इसके लिए योग्य होंगे। इसके लिए क्या उम्र सीमा है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आपको बता दें कि फीस भरना है यहाँ पे 100 रुपये का, जो जनरल OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, बाकी अदर्स के लिए यहाँ पे कोई पैसा नहीं लग रहा है।
यहाँ पे दोस्तों फॉर्म भरने का जो तिथि है वो 23 नवंबर से चल रहा है और ये जो लास्ट डेट है ये 22 दिसंबर तक का है। तो ये एक बड़ी वैकेंसी है दोस्तों आपके लिए, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कुल 287 पदों की वैकेंसी है, जिसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे अपडेट की गई है कि इन सभी सेक्टर में आपका जो है कि डिग्री या फिर कह लीजिए तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें 18 से 23 साल तक के छात्र आवेदन करेंगे और जो छात्र यहाँ पे सफाई कर्मचारी और बार-बार यानी कि नाई की वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे उनको 25 साल तक का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। हाइट को लेकर यहाँ पे बात की गई है तो मेल कैटेगरी में 1.675 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फीमेल में 157 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कुमोइज, गोरखा, डोगराज, मराठास, इन सभी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया और फीमेल में 155 सेंटीमीटर। मेल कैटेगरी एसटी से आते हैं तो 162.5 और फीमेल आते हैं 150 सेंटीमीटर से हाइट में तो आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र यहाँ पे सफाई कर्मचारी और बार्बर के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए दोस्तों आपको बता दें कि 170 सेंटीमीटर हाइट, महिलाओं के लिए 157। वहीं अदर्स के लिए यहाँ पे जो दिया गया है जो गेरीवाल हो गए, कुमोज हो गए, गोरखास हो गए, डोगराज हो गए, तो इनके लिए जो है दोस्तों 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। मेल कैटेगरी में अगर हम बात करें एसटी के तो 150 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। और दोस्तों मेल में यहाँ पे अदर्स के लिए जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टियन के लिए जो छात्र आते हैं उनको वहाँ पे 162.5 हाइट होना चाहिए और फीमेल के लिए 152.5 होना चाहिए। वही मेल में नॉर्थ ईस्ट के लिए एसटी में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर और एससी में आते हैं मतलब जो फीमेल में है 147.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। टेस्ट यहाँ पे सिर्फ मेजरमेंट किया जाएगा मेल को लेकर, यहाँ पे आपका जो है 80 to 85 होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। ओके, ये तो हो गया दोस्तों इनके फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर यहाँ पे। लेकिन अगर आप छात्र जो है यहाँ पे फिजिकल टेस्ट पास होते हैं, माने पीएसटी क्लियर है आपका, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और उसके बाद दोस्तों ट्रेड देखा जाएगा आपका, है ना, कि किस ट्रेड में जो है आप यहाँ पे क्वालिफाइड है। अभ्यर्थियों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यूनिफॉर्म गाइडलाइन के साथ आपका वो लिया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉन्स्टेबल की, दर्जी की, माली की और सफाई कर्मी की, धोबी की और नाई की, ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे 227 निकाली गई है। चयन के लिए आपको जो प्रक्रिया है, आपका एक लिखित परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट है और मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका यहाँ पे चयन कर लिया जाएगा। तो आवेदन करने की उम्र सीमा यहाँ पे पूछे तो 25 साल है, ये ध्यान रखेंगे, और 18 से 25 साल है ये ध्यान रखिएगा। और आवेदन शुल्क है 100 रुपया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो 10वीं कक्षा पास है, 12वीं कक्षा पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सवाल अब अगली बारी का है, अगले यहाँ पे अगर देखें तो नई वैकेंसी का है जो कि उत्तर प्रदेश से निकाली गई है। 2382 पदों की टोटल वैकेंसी है, लास्ट डेट 2 जनवरी है आवेदन करने का। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 और एलोपैथी के लिए 2382 रिक्त पदों के आवेदन मांगे हैं जो कि 2 जनवरी तक आपको यहाँ पे अपटूडेट करने हैं। इसके लिए चयन की जो प्रक्रिया होगी, योग्य उम्मीदवार का यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू होगा सीधे। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पदों के विवरण के बारे में, तो आप देख सकते हैं जनरल फिजिशियन की 488 पोस्ट है, कैनोलॉजिस्ट के 346, एंथिस्ट के 476 और पीडियाट्रिशियन के 418, जनरल सर्जन के 401, रेडियोलॉजिस्ट के लिए 68, पैथोलॉजिस्ट के लिए 6 और ऑप्थोमोलॉजिस्ट के लिए 5 और ऑप्थोपेडिशियन के लिए 2 और इनेट स्पेशलिस्ट के लिए 29 और डर्मोलॉजिस्ट के लिए 46, साइकियाट्रिस्ट के लिए यहाँ पे 32 और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए 8 और फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के लिए 52 और दोस्तों यहाँ पे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के लिए 5। ये पदों की संख्याएं हैं, यहाँ पे कुल 2382 पदों की वैकेंसी है दोस्तों। आवेदन शुल्क यहाँ पे 105 रुपया लिया जाएगा जो भी योग्य अभ्यर्थी होंगे। यूपी की वैकेंसी है लेकिन ऑल इंडिया वैकेंसी है, ये ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया वैकेंसी है, सभी छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आप स्क्रीन टेस्ट पास करते हैं तो आपका एक इंटरव्यू रखा जाएगा। जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं, चाहते हैं आवेदन करना, तो यूपी पीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसके लिए जानकारी ले सकते हैं और यहाँ पे वो सारा डिटेल है। देखिए, फीस आपका 405 लग रहा है, एससी से आते हैं, एससी से आते हैं तो 65 रुपये से हो जाएगा काम और हैंडीकैप है तो 25 रुपये में काम हो जाएगा। फीस भी ज़्यादा नहीं है, आवेदन ज़रूर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक लास्ट डेट है आवेदन करने का, ठीक है, और ये 2 तारीख तक आप पेमेंट कर लीजिएगा।
21 से लेकर 40 साल तक का आपका एज क्राइटेरिया है, और ये सारी डिटेल हमने आपको बता दी है। इसके लिए अलग अलग जो पोस्ट है, जैसे गायनोलॉजिस्ट के लिए तो ये डिप्लोमा MD MS होना चाहिए, उसी तरह एंथिस्ट के लिए डिप्लोमा होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, तो ये चेक कर लीजिएगा। मैं आपको इसका जो PDF है अप टू डेट कर दूंगा। आपका जिसमें भी डिप्लोमा है या डिग्री है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी वैकेंसी यहाँ पे देखें तो 260 पदों के लिए भेल में ये वैकेंसी आई हुई है। उम्मीदवार जितने भी हैं यहाँ पे आवेदन करने योग्य, ये ध्यान रखेंगे आवेदन शुल्क जो है आपसे 400 रुपये लिए जाएंगे यहाँ पे आवेदन करने के लिए। और इसके लिए आप जो है BEL भेल नहीं है, ये बेल है ना, ये ध्यान रखेंगे। और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, BEL है, ठीक है, BEL है, जहाँ पे आपको 14 दिसंबर जो है आपका लास्ट यहाँ पे आवेदन 14 दिसंबर से लेकर ये है ना, ये आवेदन मांगे गए हैं 24 दिसंबर लास्ट डेट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए जो सैलरी स्केल है ये देख सकते हैं, 30,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। एज क्रिटेरिया 28 से 32 साल तक का है, 28 से 32 साल तक का एज यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। और इन पदों के लिए आवेदन जो छात्र करेंगे वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आखिर से पहले इसका आवेदन जरूर कर लेंगे। 14 दिसंबर है लास्ट डेट आपको आवेदन करने का, और 260 पदों की टोटल वैकेंसी है। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। अगला वैकेंसी है दोस्तों इंजीनियर्स के लिए, जो कि 1,045 पदों की रिक्तियां हैं, और ये जम्मू एंड कश्मीर में वैकेंसी निकाली गई है। 20 दिसंबर लास्ट डेट है आवेदन करने का, ध्यान से देख लीजिएगा। आवेदन करने का शुल्क यहाँ पे 550 है, SC ST के लिए 450 है, ये ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब जो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे वो 21 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक का डेट उनको मेंशन है। जो वहाँ के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट होंगे, उनको 40 साल तक का छूट दिया जा रहा है। बाकी अदर्स के लिए जो छात्र वहाँ पर आते हैं कैटेगरी में, उनको अलग से छूट दिया जा रहा है। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के लिए इंजीनियर्स के पदों की वैकेंसी है दोस्तों, जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है सारी। वेतन जो होगा लेवल 6 के तहत, यानी कि 35,000 के आसपास जो है आपका सैलरी स्केल होगा, 550 फीस। और आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, और चयन प्रक्रिया के बाद जो है आपका रिटन टेस्ट के बाद जो है यहाँ पे एक इंटरव्यू भी रखा जाएगा। तो ये चयन प्रक्रिया हो गया आपका, यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं। पांचवा वैकेंसी है दोस्तों ये नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स को लेकर, जो कि बिहार के लिए अपडेट की गई है, या बिहार के नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के लिए लेकर रिगार्डिंग है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स में प्रशिक्षण के बाद जल्द ही आपको रोजगार मिलेंगे, ऐसा कहना है एसके मंडल जी का, जो कि यहाँ पे अप टू डेट किए हैं। यह निर्देशक हैं और ये कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मेडिकल समस्तीपुर से। तो बिहार का ये वैकेंसी अपडेट किया गया दोस्तों, जल्दी रोजगार आपको अपडेट किया जाएगा यहाँ पे, आप यहाँ सारी चीज भी चेक कर सकते हैं। डी फार्मा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप दवा की दुकान भी खोल सकते हैं अपनी, तो डी फार्मा का सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड आपका होना जरूरी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक वैकेंसी है दोस्तों बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर, जिसके लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि तो 10 साल से लगातार इस वैकेंसी की मांग की जा रही है कि इस क्षेत्र में भी वैकेंसी दी जाए। और ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन बिहार राज्य की कमेटी के द्वारा यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दिवसीय मार्गदर्शन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय में लाइब्रेरियन की बहाली आई हुई है दोस्तों, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और तैयारी को लेकर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे राज्य में लाइब्रेरी साइंस के छात्रों ने भाग लिया। लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में लाइब्रेरी साइंस के छात्रों को बताया गया कि एग्जाम की कैसे तैयारी करें और किस बुक को पढ़ें, उसके बाद नौकरी यहाँ पे कैसे पा सकते हैं हम लोग, उसके लिए भी मार्गदर्शन यहाँ पे किया गया था दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पे इन सभी न्यूज अपडेट में ये नई वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है। आज आप छात्र जो है इंतजार कर रहे हैं बिहार SSC CGL थर्ड के एडमिट कार्ड को लेकर, तो शाम तक इसका एडमिट कार्ड भी जारी किया जा सकता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।